नमस्कार, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम नीरज है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को बेअसर करने के बाद पाकिस्तान कई मंचों पर इसका विरोध कर रहा है। जहां संभव हो रहा है वहां एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। वो बात अलग है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उसे किसी भी मुल्क का समर्थन नहीं मिल रहा, लेकिन पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थक अब भी विरोध में डटे हुए हैं। हाल ही में ऐसा ही वायरल वीडियो एक सामने आया, लेकिन वायरल होने के पीछे पाकिस्तानी विरोध नहीं बल्कि भारतीय पत्रकार का सख्त और देशभक्त रवैया है। मामला लंदन का है, जहां भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थक जुटे थे। ये लोग भारत के तिरंगे झंडे को पैरों तले रौंद रहे थे, तिरंगे के दो टुकड़े कर दिए थे, प्रतीकात्मक रूप से जूते बार रहे थे। जाहिर है कोई भी देश प्रेमी अपने मुल्क के झंडे का ऐसा अपमान नहीं देख सकता, और लाजिम है कि भारतीय भी इसमें अपवाद नहीं है। जब पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थक भारतीय हाई कमीशन के बाहर ये सब प्रदर्शन कर रहे थे, तो एक पत्रकार से ये अपमान न सहा गया। प्रदर्शनकारी तिरंगे को रौंद रहे थे और उन्हें रोकने का चैलेंज कर रहे थे। न्यूज एजेंसी ANI के लिए लंदन में स्वतंत्रता दिवस कवर कर रही पत्रकार पूनम जोशी तिरंगे का अपमान होते देख प्रदर्शनकारियों की ओर भागी और उनके कब्जे से तिरंगा छीन लिया। देखते देखते ये वीडियो वायरल हो गया और पूनम जोशी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। पूनम जोशी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उनकी बहादुरी और जज्बे को लोग इसीलिए सलाम कर रहे हैं क्योंकि वहां पर विरोध कर रहे लोगों की संख्या 1-2-10 नहीं, करीब 10,000 थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पूनम का एक बयान छपा है। इसमें उन्होंने कहा कि मेरा खून खौल रहा था, मैंने वो किया जो उस वक्त खुद ब खुद मेरे मन में आया। मैं उनसे झंडा छीनने के लिए दौड़ी। उस वक्त झंडे का एक हिस्सा उसके हाथ में था, दूसरा हिस्सा एक पाकिस्तानी के जूते के नीचे। मैंने उसके हाथ और पाकिस्तानी के जूते के नीचे से झंडा खींच लिया। एक छोटा सा हिस्सा फिर भी जमीन पर रह गया था। कुछ देर बाद मैंने उस हिस्से को भी ले लिया। इसके बाद पूनम ने ट्विटर और फेसबुक पर लंदन के मेयर सादिक खान को ओपन लेटर लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जानबूझकर दुरुस्त इंतजाम नहीं किए गए, पुलिस प्रोटेक्शन कमजोर था। इस इवेंट में खलल बढ़ा तो पुलिस आई और खालिस्तान समर्थकों को हिरासत में लिया। उनके पास से खंजर भी बरामद किए गए। देशभक्ति की तमाम बहसों के बीच दो शब्द तारीफ के इस पत्रकार पूनम जोशी के लिए जरूर बनते हैं, जिन्होंने खुद ब खुद उस वक्त इनके अंदर से जो आवाज आई उसको देखते हुए भारत का झंडा पाकिस्तानियों और खालिस्तानी समर्थकों से छीना और उसको बचाने की कोशिश की। उनको मालूम नहीं था कि उनका ये किया हुआ किसी वीडियो में रिकॉर्ड होगा और लोग उनकी इस तरह से प्रशंसा करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक। मेरा नाम नीरज है। इस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथ में मेरे साथी राशिद थे। शुक्रिया।